और ये प्लांट मेरा 30 से 35 साल पुराना प्लांट है और जब मैंने स्टार्ट करा था ये बहुत छोटे स्केल पे किया था लेकिन आज मैं जयपुर में सबसे बड़ा प्लांट मेरा ये छोटा प्लांट था तब तक तो हमने हमारे खेत में यूज़ कर लिया लेकिन अब हमारे पास छः से 700 सौ बैड है इस टाइम डेली की हमारे पास चार क्विंटल के करीब हमारी खाद निकल जाती है सबसे तो पहले हमने आसाम से स्टार्ट करा आसाम में हमें चाय के बागान वालों को हमने थोड़ा अवेयर करा कि आप इस खाद को डालो और आप देखो आज भी मेरा आसाम ये खाद जाता है और बहुत अच्छी है। मतलब उनको रिजल्ट है मतलब आज तीस साल से हम उनको खाद दे रहे हैं ये वाला और... नमस्कार भाइयों इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी विजिट है वो बहुत ही खास यूनिट पर है आज हम पहुंचे हैं जयपुर में यहाँ पर मैम काफ़ी साल से लगभग तीस से पैंतीस साल से वर्मी कंपोस्ट बिजनेस कर रहे हैं मैं नाम जानते हैं कि पूरे सफ़र के बारे में कहाँ सेल कर रहे हैं क्या क्या इनको समस्या आई है कैसे कोई युवा स्टार्ट कर सकता है मार्केटिंग ऐसी क्या टिप्स हैं जो मैम जानती है जो हमारे युवा साथी हैं वो नहीं जानते हैं तो पूरी बात करेंगे और वीडियो शुरू करते हैं इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार मैम नमस्कार मैम कैसे हैं? ठीक हूँ मैं मैम सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए अपनी यूनिट का और अपना जो आपका जगह है उसका एक बार सर मैं दासी संस्कार ऑर्गेनिक से जयपुर में ये मेरा प्लांट लगा हुआ है ये सरना डूंगर में लगा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में जी। और ये प्लांट मेरा 30 से 35 साल पुराना प्लांट है और जब मैंने स्टार्ट करा था ये बहुत छोटे स्केल पे किया था लेकिन आज मैं जयपुर में सबसे बड़ा प्लांट मेरा ही मैं, तो मैं देख रहा हूँ वर्मी कम्पोज तो है साथ में आपने डेयरी भी करी हुई है साथ में आंवले भी है मेरी डेयरी नहीं है एक्चुअली में गौशाला है राइट गौशाला है वो गाय है जो लोग अपनी छोड़ के चले जाते हैं नहीं पाल पाते तो वो मेरे यहाँ दे जाते हैं और ये क्या कॉन्सेप्ट है मैम आंवला भी आपने किया हुआ यहाँ पर आंवला मेरा ये प्रतापगढ़ का आंवला है और ये जो जमीन है इस पर हमने आंवला लगा रखा है कि आंवला एक विष्णु का ही अवतार है और हम एक मंदिर में एक सेवा देते हैं ठाकुर जी को तो आंवले का है तो आंवला भी हमारे एक विष्णु का अवतार बताते हैं जी. तो ये आश्रम के लिए एक आमदनी का स्रोत मतलब आश्रम भी है आपका हाँ, आश्रम है उसमें ये आंवला है बील है ये एक ना आमदनी का स्रोत बना रखा है मैम आपने कहा पैंतीस साल आपने पहले स्टार्ट करा है काम ये उस टाइम तो वर्मी कंपोस्ट को भी जानता भी नहीं था कैसे विचार आया मैम गोबर से कैचो से खाद बनाने का एक्चुअली में ये हॉर्टिकल्चर के कुछ लोग आए थे जो गुरुजी के पुराने शिष्य थे उन्होंने ही हमारे को वर्म्स लाके दिए और उन्होंने ही हमारे को स्टार्ट कराया कि आप और फिर उन्होंने ये तक करा कि हम कुछ बच्चे लाएंगे यहाँ पे हम सिखाएंगे तो उनको उनको सिखाने के चक्कर में हमने भी सीख लिया और हमने सोचा कि इसी को हम काम बढ़ाएं आगे गुरुजी का भी यही था कि आगे के टाइम पर आने वाले समय पे ये बहुत यही काम आएगा आपके सफर कैसा रहा आपका बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे इन पैंतीस सालों में मैम स्टार्टिंग uh, में तो देखिए ये लगता था कि भाई हम अपना सामान अपने में यूज़ कर रहे थे तो कोई इनकम नहीं थी तो ये लगा कि भाई आ, ये काम कर तो रहे हैं लेकिन दो पैसे की भी इनकम नहीं है लेकिन ये था कि हमारे जो पेड़ आंवले के लग रहे हैं बिल के लग रहे थे जो हम खेती करते थे गेहूँ था यह होता है हर साल आश्रम का या खेती में गुलाब लगा रखे थे हमने तो वो सब हमारे काम इसमें लगा देते थे, थे खाद तो ये था कि भाई बाहर से हम खाद ला के डालेंगे तो इसी को यूज कर ले हर आदमी चाहता है उसका बिजनेस आगे बढ़े आपने अपने खेतों में इसको यूज करा लेकिन आपने चाह हुआ कि मैं इसको आगे भी पहुंचाऊं बिल्कुल जब छोटा प्लांट था तब तक तो हमने हमारे खेत में यूज़ कर लिया लेकिन अब हमारे पास छः सौ से सात सौ बैठ है इस टाइम तो जो खाद भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है हमारे पास डेली की हमारे पास चार क्विंटल के करीब हमारी खाद निकल जाती है तो हमको ये लगा अभी इसको हम क्या करेंगे तो हमने इसको पहले सबसे पहले आसाम भेजा था सबसे पहले हमने आसाम से स्टार्ट करा आसाम में हमें चाय के बागान वालों को हमने थोड़ा अवेयर करा कि आप इस खाद को डालो और आप देखो आज भी मेरा आसाम ये खाद जाता है और बहुत अच्छी मतलब उनको रिजल्ट हैं मतलब आज तीस साल से हम उनको खाद दे रहे हैं वाला और उसके बाद हमने यहाँ पे छोटे छोटी नर्सरियाँ हैं बड़ी नर्सरी छोटी नर्सरी कुछ भी होगा हमने उनको एक किलो पहले स्टार्टिंग में फ्री में दिया उसके बाद धीरे धीरे उनको लगा कि ये बहुत अच्छी है उन्होंने खुद ने यूज़ करा और फिर लगा कि हाँ अच्छा घरों में लग हर घर में आपको पता है छोटे कुछ प्लांट्स लगाते ही हैं लोग एक के जी अपने मिलने वालों को दिया कि आप इसको यूज़ करो आज इतनी डिमांड है कि मेरे पास खाद बहुत कम बचता है मतलब निकल जाता है मेरे पास जरूरत नहीं मुझे नहीं लगता कि आज इतना खा दे मैं कहा दे ये नहीं। आपने मार्केट अच्छे से मार्के बना लिया अपनी डिपेंड ऑन द मार्केट मार्केट अर्थवॉर्म किस रेट का आप सेल कर रहे हैं मैम हंड्रेड रुपीज़ के जी क्या कर रही हूँ और कहाँ का भिजवा सकते हैं आप इसको सर पूरे ऑल इंडिया भिजवा रही हूँ मैं यहाँ तक कि आप देखिए मेरा जाता है कश्मीर तक जाता है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह जा रहा है जहाँ जहाँ मुझे इजी वे में ट्रांसपोर्ट मिल जाता है कई बार होता है कई चेंज भी करना आता ईजी होता है तो मैं भिजवा देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन कोशिश ये करती हूँ कोई ले बोलता है तो मैं उसको कहाँ तक पहुंच पा पहुँचा पाऊँ तो वो मैं पूरा कर आपका जो मैथडो डिफरेंट है मैम इसमें ना पॉलीथिन है ना ईटे हैं कुछ लोग पॉलीथिन यूज करते हैं कुछ ईटे भी यूज करते हैं तो लोग भी बड़े कंफ्यूजन है कौन सा करें कौन सा ना करें देखिए ईटे और पॉलीथिन से एक तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है सबसे बड़ी बात कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है और इतने साल इसको काम करते एक तरह से ये जो जहाँ पे हमने करा रखा वो एक तरह का सीमेंटेड फर्श ही हो गया अब इसमें मिट्टी है ही नहीं बिल्कुल हार्ड हो गया पानी डलते डलते इसमें मिट्टी होती ही नहीं है नीचे और ये जो वर्म्स हैं वो आप ये देखिए कभी भी मिट्टी में नहीं जाते तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब है जरूरत ही नहीं पड़ती कभी नुकसान हुआ आपको नहीं इस सफर तो, के दौरान में नहीं कभी भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अगर आपकी खाद अगर आप एक बार नहीं भी बिकेगी तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं कि भाई जब आपका मार्केट आएगा तो आप उसको बेच सकते हैं ये तो है नहीं खराब हो जाएगी उसमें मॉइस्चर बना के रखिए ठंडक में रखिए तो आराम ईजी है काफी यूनिट मैम खुलती है बंद भी हो जाती है क्या कारण रहता है वो यूनिट मैम बंद हो जाती है वो एक तो लेबर की प्रॉब्लम से और एक उनको आ, क्या मेथड प्रॉपर नहीं हो पाता वो समझ नहीं पाते कि क्या होता है कभी भी किसी को भी है ना स्टार्ट करना चाहिए ना तो एक जो पुराने हैं उनसे ही राय लेके और उनका एक बार यूनिट में एक दिन दो दिन आके देखें उस काम को फिर स्टार्ट करें तो कभी वो बंद नहीं ना किसी की किसी आपको हेल्प इसमें लेनी पड़ेगी शुरुआती दिनों में शुरुआती दिनों में क्योंकि क्या नए काम कोई भी होगा आप बिना किसी की है ना मतलब गाइडेंस से आप नहीं कर सकते गाइडेंस तो जरूरी है जी मैम किस तरह से लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने तो मार्केट बनाए आ, मार्केट बनाने के लिए देखिए आपको आसपास का पहले तो देखना चाहिए कि आपका वहाँ पे किस तरह का मार्क, लोग रहते हैं और फिर आप स्टार्ट ये करिए छोटे लेवल से स्टार्ट करिए आप एक बार उनको फ्री में दीजिए छोटी छोटी कॉलोनीज में आप उनके घरों में जाके दीजिए आपका जरूर मार्केट आएगा आप जैसे नर्सरियाँ हैं और चैनल है और इनके थ्रू आप काम करें तो बहुत अच्छा आपको इको फ्रेंडली है और वो, और वो बिल्कुल एक तो नेचर फ्रेंडली बिल्कुल नेचर फ्रेंडली है और इसके खाद भी बहुत अच्छी है इसके नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी आती है जो पेड़ों के लिए बेस्ट रहती है जो खाद कितने दिन में बनके तैयार होती है 45 डेज में गर्मियों में निकलती है और uh, 60 से 65 डेज में आपके सर्दियों में निकल जाती है और पता कैसे लगाएं कि खाद जो है बनके तैयार हो गई है इसमें हम पंजा लगाते रहते हैं और जब वो पंजा लगाते लगाते बिल्कुल दाने दाने बारीक बन जाते हैं पत्तियों के जैसे तो समझ में आ जाता है की हाँ खाद बनना चालू होगा अगर प्रति किलो खाद की बात करें किस रेट का जो खाद आपका बिक रहा है कितना उससे प्रति किलो मुनाफा हो जाता है सिर्फ देखिए दो रूपए कॉस्टिंग आती है और पाँच रुपए तक आराम से निकल रहा है मेरा तो तीन रूपए आपको मार्जिन है बिल्कुल और टोटल कितना प्रोडक्शन है आपके यूनिट का टोटल आप ये देख लीजिए कि चार आ, अपना रोज का खाद उतर जाता है चार क्विंटल के करीब उतर जाता है हम्म हम्म तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए मन का जो जी। अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बेड से तो शुरुआत करेगा क्या खर्चा उस पर आएगा सिर्फ आप जब स्टार्ट करें तो कम से कम तीस बैट से स्टार्ट करें और आप एक बैट का चार हजार के करीब का खर्चा होगा चार हजार से आप के करीब का एक बैट बनता है तो आप इस हिसाब से, से तीस बैट का हो जाएगा हाँ कोई मौसम भी बेस्ट है मैम जिस मौसम में इसको शुरुआत की जा सकती है आप इस समय अगस्त से सितंबर के बीच में जब बेड लगाते हैं जो स्टार्ट करते हैं तो ये बेस्ट है ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है इस समय डेवलप भी जल्दी होते हैं और मल्टीपल भी बहुत अच्छे होते हैं जी के हम जो हमारे युवा साथी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं अपने काम की आ, बेस्ट है इस टाइम का तो सबसे बढ़िया बिजनेस है न कम लागत का ज्यादा मुनाफा ये इसका मतलब कॉन्सेप्ट कि आपके पास क्योंकि गांव में छुट्ट में भी और है ना आपको गोबर इजी इजिली uh, अवेलेबल हो जाता है तो आपको बस एक वर्म्स के लिए ही आपको और पानी मिल ही जाता है ज़्यादा इनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है गर्मियों में थोड़ा पानी चाहिए होता है बाकी के टाइम पर इनमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है और बहुत मतलब कम से कम लागत में आप काम कर सकते हैं इसमें और आपको मुनाफा मिल जाएगा थैंक यू मैम धन्यवाद तो दोस्तों ये थे आज का विचार दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्मिंग कंपोनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी यूनिटें खुलती हैं बंद भी होती हैं तो वही पहले जो है ना मार्केट का आप सर्वे कर लें आप देख लें अपना माल कहाँ सेल करेंगे अगर आपने मार्केट का सर्वे नहीं करा और अपने अपने यूनिट स्टार्ट कर दी तो आप हताश हो जाएंगे और माल आपका नहीं बिकेगा और अंत में यूनिट बंद हो जाएगी तो सबसे पहले सर्वे कर लें बात कर लें उन लोगों से जिनको आपको माल देना है तभी अपने यूनिट स्टार्ट करें तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद